अभी सबसे पहले अपन एक दूसरा मेथड लिख रहे हैं, है ना। ये जो अपन ने कल मेथड लिखा था इसकी स्पेशलिटी क्या थी? स्ट्रक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड। अपन ने ऐसा मान लिया फॉर ऑक्साइड इट इज ऑलवेज -2, फॉर हाइड्रोजन +1 -1, ऐसा करके क्लियर। सेकेंड लिख रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का। इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज नोन और गिवन, एक्चुअल में अपन इस चैप्टर तक जब अप्रोच करते हैं ना, ये आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, क्लियर। और अपन इसको पढ़ने से पहले केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, क्लियर। अगर अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाए तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या पता चल जाता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। अगर मेरे को स्ट्रक्चर पता है तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे कैसा था? स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो गिवन नहीं था, ओनली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन एंड वी हैव फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर बाय ओनली मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां पे अपन किससे निकालने? बाय स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कैसे निकालेंगे देखो, तो यहां कंसीडर कैसे करना है आपको। सपोज मैंने दो एलिमेंट माना जिनके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड ए एंड बी, एंड वी कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्लियर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को, क्लियर। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए किससे ज्यादा मानी अपन ने? बी से। क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। सपोज अगर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या कंसीडर करना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा? टुवर्ड्स ए। तो ए के ऊपर कितना ले लेने का? -1, और इसके ऊपर +1। रिमेंबर अपन मान के चल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तब की बात है ये। तो इफ द सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, द चार्ज ऑन ए इज -1 एंड चार्ज ऑन बी इज +1। इफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, द चार्ज ऑन ए इज -2 +2। इफ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू, -3 +3। तो समझ में आ गई बात? तो किसके ऊपर डिपेंड हुआ ये? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। नाउ इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, अगर मैंने ऐसा मान लिया, ये कंडीशन ऐसी है, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, है ना, लगभग बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर ये कब हो सकता है? जब एटम्स आर सेम। अगर ये सेम एटम है तो क्या होगा? ए में और बी में सिंगल बॉन्ड बने या डबल बने या फिर ट्रिपल, इट इज ऑलवेज 0-0, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ दे हैव अ सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नियरली सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो अगर ए और बी सेम ही हो गए जब, तो पक्का क्या होने वाला है? 0-0। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है आपका? जिसमें अपन एक सिंगल एरो बनाते हैं, क्लियर, ऐसा बनाते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, मतलब ए और यहां से मैंने ये लोन पेयर और ये किसको डोनेट कर दिया, बी। अगर मेरे पास ऐसा कोई बना हुआ है स्ट्रक्चर तो आप उसे कौन सा बॉन्ड बोलोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर। अब यहां पे कंसीडर क्या करना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ, पहला वाला केस कंसीडर कर रहा हूं ना मैं, इस वाले के अंदर इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा गिवन है ना फर्स्ट केस है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन आप कहां से कहां डोनेट कर रहे हो? ए टू बी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ए की। फिर भी ए क्या कर रहा है? डोनेट। अगर ऐसा केस आता है दोनों का 0-0, क्लियर। बट सेकेंड केस, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, if electronegativity of B is greater than A, और फिर lone pair किधर shift हो रहा है? A to B, तो आपको क्या consider करना है? इस case के अंदर क्या है आपका? 0-0 दोनों पे। In this case, आपका A के ऊपर जो आएगा वो कितना आएगा? Second case की बात कर रहा हूँ ना, तो second case के अंदर A के ऊपर आएगा, ये दे रहा है +2 और ये दे रहा है -2,
we are talking about coordinate quantum. And third, if electron negativity of A is equal to B, मतलब they are same, तो फिर जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस टू और जो ले रहा है उसके ऊपर माइनस टू, मतलब ये दोनों केस के अंदर सेम। बात समझ में आ गई? कौन से तरीके बात कर रहा हूं मैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए से किधर जा रहा है? बी की तरफ। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और बी की कम है तो दोनों पे जीरो जीरो। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बी की ज्यादा है तो इस पे प्लस टू, इस पे माइनस टू, और अगर दोनों सेम है तो भी प्लस टू और माइनस टू। दीज आर द रूल्स फॉर इफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज गिवन। लगा के देखते हैं अपन आंसर आता है या नहीं आता। देखिए रब कर स्लिप पर एक बार फिर अपन इसको लगाएंगे। स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में ना वो याद रहना चाहिए। पर बाकी ये तो याद रह जाता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो प्लस वन माइनस वन, डबल है तो प्लस टू माइनस टू, ट्रिपल है तो प्लस थ्री माइनस थ्री। जब अपन को एवरेज एटॉमिक नंबर नहीं निकाल के क्या निकालना हो, इंडिविजुअल एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। क्योंकि आप जब भी इस फॉर्मूला से निकालोगे तो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट एवरेज। आप Fe3O4 का बताओ दोनों आयरन का कितना होगा, जो दोनों आयरन उसके अंदर, या तीनों आयरन है तीनों आयरन का क्या होगा? नहीं बता सकते अपन। अपन हमेशा क्या बताएंगे? उसका एवरेज ही बताएंगे। एंड देयरफॉर आंसर इज ऑलवेज प्लस 8 बाय 3। अगर मेरे को हर आयरन का पता लगाना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कल का एक एग्जांपल। सबसे पहले सिंपल वाले में जिसमें सेंट्रल एटम इज ओनली वन, कल बताया था मैंने आप लोगों को, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ ओ और एच एच, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंड वी हैव टू फाइंड आउट The oxidation number of sulfur. निकालना चालू करें अपन। Now between oxygen and hydrogen, कितने bond exist कर रहे? Single. So what is the charge on oxidation number of hydrogen? Between oxygen and sulfur, how many bond exist? One. इसके ऊपर? Which is more electronegative out of oxygen and sulfur? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, ऑक्सीजन ऊपर आता है सल्फर नीचे। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे प्लस वन, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड ना, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, सल्फर और ऑक्सीजन के लिए माइनस वन एंड प्लस वन, सल्फर और ऑक्सीजन के लिए माइनस टू एंड प्लस टू, माइनस टू एंड प्लस टू। What is the total oxidation number of this sulfur? 6. So answer of this S is plus 6. और अपन जो normal निकाल रहे थे उससे भी answer कितना आ रहा था? Plus 6.
आया समझ में? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बाय दिस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट लेते हैं अपन. सपोज कल अपन ने एक निकाला था कंपाउंड NH2. लिखा था अपन. व्हाट इज द नेम ऑफ NH2 कॉमन नेम? याद हो किसी को तो NH2 लिखा हुआ था ना कल अपने उसमें. We also called it N2H4. ऐसा भी लिखते हैं. And we called it hydrazine. The name of this compound is hydrazine. अभी बोलो कितना है? किसकी electronegativity ज्यादा है? Nitrogen? -1. Find out the oxidation number of sulfur in Na2S2O3. इसे बोलते हैं अपन सोडियम थायो सल्फेट.